जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों हमारे साथ रणवीर सर जी जुड़ चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी 2018 की जो मांग थी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स की, वो सबसे पहले जो एक चिंगारी का काम किया था वो रणवीर सर ने ही किया था हमारे साथ। उन्होंने ही हमारा जो आंदोलन था वो शुरू किया था राजघाट से। आपको पता होगा तकरीबन हमारे आंदोलन को एक साल हो चुका है, इसमें रणवीर सर की बहुत ही ज़्यादा भागीदारी रही है। हम इनसे कुछ और आगे का जो है वो मार्गदर्शन चाहते हैं, तो रणवीर सर से मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूर करें। बहुत सैल्यूट और सलाम संदीप। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आए, अभी आप लोगों की मुलाकात भी, जो पीछे धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन था और सरकार भी हड़बड़ाई, और सफलता ये कि भाई आपको सरकार ने बुलाया, आपके गृह मंत्रालय में रिप्रेजेंटेटिव आप लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई 30 दिन का तो कम से कम हमें समय दिया जाए। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात है, मैसेज जाए कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, खासकर गुजरात है, पंजाब है, अपना जो है उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं हमारे, हम इस विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम चाहेंगे कि 30 दिन का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलो, एमएलए जो खड़ा हो रहा है उसको भी मिलो, अपने एमपी को मिलो और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्रालय को, जो गृह मंत्री को आप मेमोरेंडम दिए जाए कि भाई ये जो 50,000 नहीं है, ये 50 लाख परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बुआ भतीजे मामे पुते, आपके दोस्त, ये सारे ही तो सब कुछ है। तो इस विषय को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम चाहेंगे अगर 30 दिन में नहीं अगर ऐसा होता तो हम हर स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहे हैं उनकी राजधानियों में, और उनके बायकॉट भी कर सकते हैं कि भाई आपने हमें कैसे इग्नोर कर दिया, आपने हमारे को जो है ओवर एज कर दिया, 4 साल से हम पड़े हुए हैं, सरकार सोई हुई है, जबकि वैकेंसी ऑलरेडी मौजूद है संदीप, आपको पता है। बिल्कुल जी, नित्यानंद राय जी ने जैसे बताया था 1,10,000 जो पद है वो खाली पड़े हुए, और आज आपने देखा होगा कि जो कल एक न्यूज़पेपर में भी छपा था कि जो सीएपीएफ के जो पर्सनल है 82,000 के समथिंग जो है वो उन्होंने स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है वो ली है, तो बहुत सारे पद तो इससे ही खाली हो चुके हैं उनके। अब अगर हमसे पूछा जाए तो ये 1,10,000 वैकेंसी नहीं है, ये 2 लाख से ऊपर वैकेंसी हो चुकी है, हर साल नौकरी छोड़ रहे हैं, हर साल वॉलेंटियर रिटायरमेंट जा रहे हैं और भर्ती हो नहीं रही, अभी भी ये 21 की भर्ती लेके आए जिसमें 21,000 ये क्या खेला हो रहा है, ये तो बहुत बकवास टाइप का है, क्योंकि सरहदें चाइना को लाल आंख दिखाने के लिए, पाकी को जो फिराकी करता है, जो गुस्ताखी करता है उसको जो है जवाब देने के लिए हमारे पास 55,000 भुजाएं मौजूद है, हम चाहेंगे सरकार इनको जो समय पे नौकरी नियुक्ति पत्र दे ताकि हमारी सरहदें सुरक्षित हो, लैंड ऑर्डर अच्छा हो और युवाओं के घर में एक नए साल का तोहफा सरकार दे, ऐसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं। संदीप बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सभी युवाओं के लिए जो है अपने शब्द रखे, तो सर ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।